जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब ये अच्छे होंगे। साथियों, जो बच्चे उत्तर प्रदेश से बीटेक या फार्मेसी करना चाहते हैं तो उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि जो बच्चे अपना एंट्रेंस फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे तो उनको एक और मौका दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हर साल AKTU एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती थी, यानी कि जो UPTU का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता था, लेकिन इस बार वो कंडक्ट नहीं हो रहा है। इस बार जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है NTA को, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यूपी कैट का एग्जाम हो रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए जो डेट थी वो 6 जुलाई थी, लेकिन अब उस डेट को फिर से बढ़ा दिया गया है, जिससे कि बच्चे जो है अपना फॉर्म भर सकें। बहुत सारे बच्चे अपने फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या इसकी लास्ट डेट है, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो उसके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश का एंट्रेंस एग्जाम हर साल कंडक्ट कराया जाता था, तो वो होता था हमारा UPTU एंट्रेंस एग्जाम। अब बच्चे कहते हैं कि सर, हम एंट्रेंस एग्जाम यदि नहीं फिल करते हैं तो फिर हमारे कोई प्रॉब्लम होगी एडमिशन में। देखिए, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करेंगे या आप एंट्रेंस में नहीं बैठेंगे, यानी कि एंट्रेंस फॉर्म नहीं भरेंगे तो एंट्रेंस में नहीं बैठेंगे, तो फिर आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो तो आपको मिलने ही नहीं है। और साथ के साथ जो अच्छे कॉलेज हैं, यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस अच्छे कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वो भी आपको एडमिशन नहीं देंगे। और दूसरा जो आपका नुकसान होगा, दूसरा नुकसान ये होगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, मैनेजमेंट की सीट पर एडमिशन लेते हैं, तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये आपके दो बड़े नुकसान होने वाले हैं। तो बेटर यही रहेगा कि अभी टाइम है, आप अपना जो एंट्रेंस फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस फॉर्म भरने की जो डेट है वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ाई है, पहले 6 जुलाई थी, अब उसको 15 जुलाई तक किया गया है। 15 जुलाई तक आप अपना एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना कहां पर है, NTA की साइट पर जाना है। NTA की साइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आप जो है JEE मेंस की साइट पर भी जा सकते हैं। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, यहां से भी आप डायरेक्ट अपना रिडायरेक्ट वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं वहां से भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भी उत्तर प्रदेश से फार्मेसी या आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, यानी कि बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक में कोई भी ब्रांच हो, तो उसके लिए आप अपना एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल जरूर करें, क्योंकि यदि आप फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं फिर आपके सामने आने वाली हैं। तो साथियों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।